वहीं उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट को लेकर अपडेट, ट्रैक को उड़ाने के पीछे दहशत फैलाने की साजिश थी, आतंक के नए मॉड्यूल की आशंका जताई जा रही है। एडीएस एडीजी अशोक राठौड़ के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है। स्थानीय पुलिस और एआरटी टीम ने 10 किलोमीटर तक खंगाला है जंगल को। इस दौरान ओडा ब्रिज से बरुगुआ, केवड़ानाल, बाबरमाला, सिंघटवाड़ा, जाबर और पलोदड़ा के अलावा चांद घाटी के जंगलों में सर्च किया गया है। 10 किलोमीटर जंगल में बारीकी से सर्च किया गया और पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। देर शाम तक आसपास की खदानों में जाकर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की है। मार्बल माइन की विभिन्न इकाइयों के अलावा जावर माइंस, देवपुरा माइंस में भी कामगारों से पूछताछ की गई है। केवड़ा पुलिस चौकी को जांच का केंद्र बिंदु बनाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। एनआईए वहां पहुंची, एनएसजी वहां पहुंची, इसके अलावा एटीएस पहुंची, राजस्थान पुलिस पहुंची, राजस्थान पुलिस की जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और अब एटीएस भी वहां पहुंची है। एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ वहां पहुंचे हैं। 10 किलोमीटर के जंगल को खंगाला गया है। माना जा रहा है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण वहां से जुड़े हैं। सत्यनारायण, धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, उससे पता चलता जा रहा है कि यह घटना बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, देखिए अब माना जा रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम में आतंकी एंगल ही शामिल है, क्योंकि एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं और वो देख रहे हैं तमाम जो स्थिति है वो देख कर रहे हैं कि किस प्रकार घटनाक्रम हुआ। हालांकि उनसे जो जो जूनियर स्तर के अधिकारी थे वो कल ही यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब उनका आना एक बड़ी बात है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं, हर चीज का बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि वो समझ सके आखिरकार इसमें आतंकी एंगल है या नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में आतंकी एंगल ही शामिल है और शायद इसीलिए वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अब माना जा रहा है की एनआईए के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अब तो उम्मीद जताई जा रही है की जो आरोपी है उनको जैसे गिरफ्तार किया जाए। कल से पूरी रात से जो ये आसपास करीब 15 किलोमीटर जंगल फैला हुआ है, उन जंगलों के अंदर ईआरटी कमांडो। सत्यनारायण, क्या कुछ सुराग मिले, कुछ जानकारी दे पाए? और कल ये भी खबर थी कि 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, क्या उनसे कुछ जानकारी हासिल हो पाई? बिल्कुल, देखिए 3 जो संदिग्ध युवक हैं जो आसपास के रहने वाले हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पुलिस ने खुलासा नहीं किया कि आखिरकार उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया। जो बताया जा रहा है कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले हैं, उन सुराग के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो अब माना जा रहा है कि उन जो 3 व्यक्ति हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, उनसे जो सुराग मिले हैं, उस सुराग के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी है उनको उड़न साजिश के पीछे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विजेंद्र, क्योंकि एटीएस के एडीजी वहां पहुंचे हैं, क्या वो टीम अलग से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देगी या जो 10-12 किलोमीटर का एरिया पहले ही खंगाला जा चुका है उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की काम कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि हर टीमें अपने अपने संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है। एनआईए की टीम अपनी जो कोशिश कर रही है, एनएसजी की टीम अपनी अलग टीम बनाने की कोशिश कर रही है और एटीएस की जो टीम है उसको अलग निर्धारण किया गया कि आप क्या काम करना है। ऐसे में संयुक्त रूप से काम कर रही है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि इस पुल को उड़ने की साजिश के पीछे किसका हाथ है उस तक पहुंचना इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों का काम है। तो ऐसे में तमाम टीमें अलग अलग होकर भी संयुक्त रूप से काम कर रही है, तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बड़ी सफलता है वो पुलिस के हाथों लग सकती है। फिलहाल 3 जो व्यक्ति रिटर्न किए गए थे उनसे पूछताछ अलग टीम कर रही है, तो उनसे पूछताछ के आधार पर जो कुछ जानकारी मिल रही है उन जानकारी के आधार पर आगे से कड़ी से कड़ी मिलाकर जो आरोपी है उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यनारायण, क्योंकि वहां सारी ही टीम में मौजूद है, इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो सवाल मेरे जहन में है वो जहन में उनके भी होगा। जिस इलाके के अंदर ये घटना घटी है उस इलाके के अंदर एक बार क्या ये चेक किया गया है कि मोबाइल किस नेटवर्क के वहां पर मौजूद थे, कौन कौन से मोबाइल वहां पर मौजूद थे? क्योंकि उसे एक अंदाजा लग सकता है कि उस इलाके के अंदर कौन कौन नंबर के लोग वहां थे या वो लोग कौन थे जिनके पास मोबाइल था।
बिल्कुल विद्यमेरो बीडीएस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, बीडीएस भी उठाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुश्किल है केंद्र बिंदु है वो ये कि ये हाईवे जो ऊपर पुल बना हुआ है, हाईवे से हजारों वाहन रोजाना गुजरते हैं, तो ऐसे में अब पुलिस केवल रात का समय केंद्र कर रही है कि रात के समय में जो यहाँ पर किस्मत लगाया गया है वो रात के समय में लगाया गया हुआ, एक दिन पहले लगाया हुआ, ऐसे में उन नंबरों के आधार पर करीबन 13,000 से अधिक नंबर पुलिस के पास सूची प्राप्त हुई है। अब उन नंबरों की डिटेल लेके साइबर एक्सपर्ट की मदद से उस नंबर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जो नंबर अननोन हो, जो कि पहली बार इस टावर मौजूद है, उस टावर की मौजूदगी में, उस टावर के टच में वो आया हो, ऐसे में पीडीएस लेकर उन तमाम नंबरों की जानकारी निकाली जा रही है और अननोन नंबरों को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और अननोन नंबर तक पहुंच कर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो इस घटना का मास्टर माइंड है, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। भी क्योंकि सत्यनारायण एटीएस के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, कुछ और विंग्स जिनके अधिकारी वहां पहुंचने अभी बाकी हैं। देखिए एटीएस के अधिकारी पहुंच चुके हैं, अशोक राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं, एनआईए और एनएसजी के जो अधिकारी हैं वो थोड़ी देर के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सर्किट हाउस में अभी सुबह करीबन एक घंटे पहले इनकी मीटिंग हुई है, एनआईए एनएसजी और एटीएस के अधिकारी उनकी मीटिंग हुई है और रेलवे के जो अधिकारी उनकी मीटिंग हुई है, तो मीटिंग के बाद में जो मीटिंग से पहले रेलवे के डीआईजी यहाँ पर आए थे राजेश चौधरी, उसके बाद में एडीजी अशोक राठौड़ यहाँ पर आए हैं, थोड़ी देर बाद में एनआईए और एनएसजी के जो कमांडो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि चार टीमें बनाई गई है, रेलवे, एटीएस, एनआईए और एनएसजी, चारों ही डिपार्टमेंट की टीमें अपनी अपनी जो अपने अपने उपकरण अपने संस्थान अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि इस जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के कौन है उनके वहां तक पहुंचने के लिए तमाम टीमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही है और उसकी रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अवगत करा रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति आला कमान तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके और उचित दिशा निर्देश देने के बाद में जो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। सत्यनारायण ये तस्वीर क्या पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि आतंकी साजिश थी? लेकिन देखिए जहां तक मैं समझता हूँ कि इतनी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई है, घटना के बाद से एनआईए के अधिकारियां मौजूद है, एनएसजी के अधिकारियां मौजूद है, ईआरटी के कमांडो यहाँ मौजूद है, खुद एटीएस एसओजी एडीजी यहाँ मौजूद है, माना जा रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम आतंकी हमले से आतंकी एंगल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये आतंकी एंगल नहीं होता तो इतनी सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी है वो 3 दिन से उदयपुर ना होते बल्कि अपने अपने स्थानों पर लौट गए होते। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से पूरा ट्रैक सुरक्षा व्यवस्था ने अपने खातों में रखा है, यहाँ पर 24 घंटे पुलिस के जवान कमांडो तैनात रखे हैं, तो माना जा रहा है कि आतंकी हमला ही आतंंकी एंगल से इस घटनाक्रम को खारिज किया गया है। ऐसे में अब जब एटीएस के अधिकारी आए हैं, एनआईए के अधिकारी मौजूद, 3 दिन से ही उनकी मौजूदगी साफ कर सकती है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो आतंकी एंगल से जुटा हुआ ही है। ऐसे में अब कोशिश की जा रही है जो आरोपी उन तक पहुंचने की, जिससे कि पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके, क्योंकि घटना हो चुकी है, चिंता का विषय यह है कि जो घटना खारिज करी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, ऐसे में अब वो दोबारा कोई ऐसे घटनाक्रम ना कर दे, इससे उनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। सत्यनारायण क्या इस एंगल पे कोई जांच कर रहा है कि इसी ट्रैक को या इसी जगह को टारगेट क्यों किया गया? क्या इसके पीछे की वजह ये कि अभी ये ट्रैक लाइमलाइट में था, 15 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था, तो आतंकी इस एंगल से भी इस घटना को देख रहे थे कि अगर इस ट्रैक को निशाना बनाया जाएगा तो नेशनल न्यूज बनेगी? बिल्कुल, वो शायद आतंकी भी चाहते यही थे कि नेशनल न्यूज बने, अगर ये घटना सफल हो जाती है, पुल हो जाता है, जहाँ पर ट्रेन में कोई बड़ा हादसा होता तो कितनी मौतें होती, शायद वो इसकी गिनती के अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं विजेंद्र, कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे ट्रैक को शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने का भी एक जरिया ये हो सकती है आतंकवादियों की, जिस पटरी को, जिस बोर्ड लाइन को मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री ने चालू किया, उसी लाइन पर 15 दिन बाद में 13 दिन बाद में अटैक होता है, तो माना जा रहा है कि हमला आतंकी एंगल से ये पूरा जो कार्रवाई है वो की गई, और शायद इसीलिए पिछले 3 दिन से यहाँ पर तमाम देश की सुरक्षा एजेंसियां मौजूद है उदयपुर के अंदर और हर एंगल से जांच की जा रही है, जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं उनसे चाहे पूछताछ, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाले रेलवे के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनसे पूछताछ जा रही है, तो हर एंगल से कोशिश की जा रही है इस पूरी वारदात को सुलझाने की, जिससे कि आरोपी गिरफ्तारी की जा सके और हर एंगल से जांच करते हुए आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। विजेंद्र सत्यनारायण शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं, जांच कर रही हैं और इसकी जांच अब हो रही है कि क्या वाकई में एक बड़ी आतंकी साजिश जो नाकाम हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कामयाब होने और उन तक पहुंच रहा है जिन्होंने
लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी उनकी बच गई।